मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुई कहासुनी में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। मामला थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मटकरीमपुर का है, जहां दलित और ठाकुर समाज के लोगों में विवाद ने तूल पकड़ लिया। दरअसल दलितों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ठाकुर समाज के लोग उनकी महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मेरा जी गीता, क्या मामला है? ये जिस लिए आए हुए हैं, झगड़ा करते हैं बिना वजह के, ये झगड़ा करते हैं ठाकुर लोग। अच्छा, दो तीन बार झगड़ा हुआ, गरीब भाई आदमी ने पेट पट्टी बांध को ना फैसले पे पैसा दे दिया। अच्छा, कुछ बात नहीं थी, रात भी गोली चली है, रात गोली चल गई दम बिल्कुल ही, आदमी दबा दिए हमके वही, फिर झगड़ा करना चाहा जी, फिर भी ऐसा ही कर रहे हैं। किस बात को लेकर झगड़ा है? कुछ बात का झगड़ा नहीं, किसी बात पे भी पी रखी थी उन्होंने और पी गए, चमारों को हिस्सा काट दो। कल रात में एक मड़ी करीमपुर गांव पड़ता है खतौली में, वहाँ आपस में दलित समुदाय और ठाकुर समुदाय के लोगों में दारू पी के झगड़ा हो गया था, जिसमें पथराव हो गया था। उसमें पुलिस की तरफ से उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा उसमें कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक पक्ष के लोग यहाँ, दलित पक्ष के लोग आए थे, उनका ये कहना था कि गलती दूसरे पक्ष की थी, तो इसमें जो वहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं उन्हें तत्काल मौके पर भेजा गया है और वो सारे तथ्यों की जांच करके जो भी वस्तु स्थिति होगी उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई इसमें की जाए। फिलहाल दलितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच सीओ खतौली को सौंपी गई है, जिसके बाद इस मामले में पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार पवार की रिपोर्ट।